हेलो एवरीवन। तो हेलो एवरीवन, तो आज का जो बड़ा नाम है विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें से एक नाम है कल्पना दत्ता, जो हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो एक छोटे से शॉर्ट नोट के जरिए हम समझेंगे कि कल्पना दत्ता कौन थी और उनका जो है क्या योगदान था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। देखते हैं कल्पना दत्ता, बॉर्न इन 1913, तो उनका जन्म जो है 1913 के अंदर हुआ। 1929 ज्वाइंट द बैतून कॉलेज, 1929 के अंदर जो है उन्होंने बैतून कॉलेज, जो बांग्लादेश में है अभी, इसके अंदर उन्होंने एडमिशन लिया। ज्वाइंट द छत्री संघ, तो छत्री संघ एक ऑर्गेनाइजेशन था जब एक्टिव था, जो लड़ रहा था रिवोल्यूशनरीज के, रिवोल्यूशनरीज थे इसके अंदर जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उसे इन्होंने ज्वाइन किया। चित्तगोंग आफ्टर दिस शी केप्ट हर सेल्फ एक्टिव, तो ज्वाइन करने के बाद जो है उन्होंने अपने आप को सारे एक्टिविटीज़ में एक्टिव रखा। इन सितंबर 1932 इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप ऑफ यूरोपियन क्लब अटैकर्स, तो सूर्या सेन का जो पूरा ग्रुप था रिवॉल्यूशनरीज थे जिसके अंदर प्रीतिलता वाडेकर भी थी, तो उन्होंने जो है यूरोपियन क्लब अटैकर्स क्लब के ऊपर अटैक करने की एक योजना बनाई थी। तो इसके अंदर जो है कल्पना दत्ता भी थी, लेकिन बट शी वॉज अरेस्टेड वन वीक प्रायर टू दैट, लेकिन एक हफ्ते पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। When she was in jail, she got the news of Priti Lata Wadekar's death. तो प्रीति लता वाडेकर जो है यूरोपियन क्लब अटैक में शामिल थी और उन्हें गोली लगी थी, वे घायल थी, इसीलिए वो चाहती नहीं थी कि मैं ब्रिटिशों के हाथ लगूँ, तो वह अपने साथ एक साइनाइड की गोली रखती थी जो उन्होंने उस वक्त खा ली। तो ये घटना 1932 की है और वे जो प्रीति लता वाडेकर है वो शहीद हो गई। तो ये जो न्यूज़ है ये कल्पना दत्ता को जेल के अंदर मिली। शी वॉज रिलीज सून और उसके बाद जो है उन्हें रिहा कर दिया गया था। मे 1933 अरेस्टेड अगेन एंड इन चित्तगोंग आर्मरी रेड शी वॉज सेंटेंस टू लाइफ। तो चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई थी, उसके अंदर जो है सूर्या सेन के साथ वे भी शामिल थी, तो वापस उनको पकड़ा गया 1933 में और उन्हें जो है मौत की सजा सुनाई गई, दैट इज सेंटेंस टू लाइफ। हवेवर शी वॉज रिलीज इन 1939। फिर जो है गांधी जी के कुछ निगोसिएशन हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद, और तब जो है उनको रिहा कर दिया गया था 1939 के अंदर। In 1940, she joined the Communist Party of India and kept fighting the British. तो 1940 के अंदर जो है उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की और वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ती रही। 1933, she married to fellow communist leader जोशी। तो 1943 के अंदर जो है जोशी करके एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके साथ उनका विवाह हो गया। After independence, In 1947, she migrated to India and retired from active politics. तो अभी जो उस वक्त का जो है वह बंगाल के अंदर थी, जो अब बांग्लादेश के अंदर आता है। तो 1947 को जब इंडिपेंडेंस मिला तो उन्होंने तय किया कि मैं इंडिया में शिफ्ट हो जाऊंगी, इसीलिए वे इंडिया माइग्रेट कर गई। और फिर जो है शी पास्ड अवे, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गई थी और शी पास्ड अवे इन 1995, और 1995 में उनका निधन हो गया। काफ़ी लंबी आयु थी उनकी। तो एक छोटा सा वीडियो था कल्पना दत्ता के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। हमने यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में काम आएंगे। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। So thank you for watching. Have a nice day.